लखीमपुर खीरी के कोतवाली मोहम्मदी के रमुआपुर में गन्ने के खेत विगत 1 जनवरी को नाबालिग शव मिलने पर पीड़ित के घर पहुंचे। समय रहते पुलिस ने की होती कार्यवाही तो जिंदा होती बेटी। समाजवादी पार्टी के नेता क्रांति कुमार सिंह ने आज मोहम्मदी के रमुआपुर ग्राम जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। लेके गए थे और जिसमें 11 तारीख में मेरी FIR लिखी गई, जिसके लिए मैंने DM से कहा, SP से कहा, DGP तक लखनऊ मिलके आओ, OG को मिलके आए, अखिलेश के कार्यालय पे गए लखनऊ, 1090 कॉल किया और उसके बाद में 1076 कॉल किया, आयोग के लिए मैंने फैक्स किया, प्रधानमंत्री के लिए फैक्स किया, मुख्यमंत्री के लिए फैक्स किया, DM साहब से कहा, SP साहब से कहा, CO साहब से कहा, कोतवाल साहब से कहा, लेकिन अभी तक कोतवाल ने एको बार विवेचना नहीं किया करे। अगर मैं जब उनसे ज़्यादा बोले तो हमसे ही लड़ने के लिए आमदा तैयार हुए। कौन? कोतवाल साहब मोहम्मदी। तो हमने कहा घटना की जानकारी कब आपको लगी थी? एक मिनट, ये घटना की जानकारी बिटिया की गाड़ी की जी, ये कल 6:30 बजे मालूम हुआ। किस तरीके से आपको पता चला? यहाँ गांव के लोग घास काटने गए गन्ने में, तो यहाँ पर करीब 150 लोग आके लोगों ने कहा एक लाश पड़ी बिटिया की है, मेरी समझ से तुम्हारी ही बिटिया है, तो मैं वहाँ। अच्छा, इस मामले को रफा दफा करने के लिए कोतवाल ने आप पे दबाव बनाया? दबाव कल हमसे एक प्रार्थना पत्र लिखवाया तो हम लिख भी नहीं पाते हैं। मैंने कहा सर नहीं लिख पाते हैं, फिर भी कहा लिखो, एक घंटे तक लिखो चाहे जैसे भी लिखो। ये इसलिए जैसे कहा कि बयान ना लग सके, क्योंकि पुलिस ढीली रही इतने दिन तक है, तो पुलिस इससे पहले भी कभी ढूंढा गया? हम लोग बराबर ढूंढते रहे। दरोगा जी ने जिस गन्ने में लाश मिली है, इस गन्ने को 2 बार दरोगा जी ढूंढवाया। कल कोतवाल साहब से पूछे, कोतवाल साहब पूछे दरोगा जी से, तो दरोगा जी ने कहा हमने गन्ना ढूंढवाए हैं। कितनी बार ढूंढवाया इसे? ये 2 बार, लेकिन लाश नहीं मिली। नहीं मिली। और लाश मिल गई? अगर आपको क्या लग रहा है कि कितने दिन पुरानी लाश थी? लाश मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 10 दिन पुरानी लाश थी। 10 दिन पुरानी लाश थी, 10 दिन। और लाश में कुछ नहीं रहा है जी, केवल दुपट्टा और पैरों से मैंने पहचान करी है, बिल्कुल नंगी लाश थी जिसको आधा जानवरों ने खा लिया है। ऐसा लगता है आपके आपकी बच्चे के साथ दुष्कर्म भी हुआ है? हाँ हाँ, दुष्कर्म हुआ है, इस पे मुकदमा भी पहले लिखा गया था। अच्छा। सिंह ने कहा कि योगी की सरकार पुलिस माफिया राज में तब्दील हो गई है, जिसका नतीजा है कि 21 दिन से लापता बालिका को खोजने या बरामद करने की बजाय पुलिस पीड़ित परिवार के मुखिया को ही धमकाने का कार्य कर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाती रही। जब 21 दिन बाद उसी खेत में बालिका का शव बरामद हुआ, जिसमें पुलिस कई बार ग्रामीणों के साथ छानबीन कर चुकी थी, तब कई दिन पुरानी लाश वहां उसी खेत में कैसे आ गई, ये पुलिस के नकारापन को दर्शाता है। अपराधी बेखौफ है, उन्हें पुलिस का कानून का कोई डर नहीं है। सिंह ने कहा कि लाश बरामदी के बाद डॉग स्क्वाड क्यों नहीं बुलाया गया, राजनीतिक दबाव बनाकर BJP इस घटना को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी घटना में पुलिस की कार्यशैली सीधी तौर पर अपराधियों को संरक्षण देने की है। 6 बजे लगभग, 6 बजे शाम को। हाँ। अच्छा अच्छा, बाड़ी कैसी थी? बाड़ी कुछ खाई हुई थी, कुछ थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। और पुलिस ने इनकी कोई मदद करी आपकी? मदद क्या करी, कितने दिन हो गए बताओ, बाड़ी मिली बाबू। अच्छा, पुलिस ने कोई मदद नहीं की? है, मदद करते तो आज इतने दिन नहीं लगते, खपड़ी पर लाश धरी थी, तुम ढूंढी जाती थे, कल आए आप खाली लाश उठाई ले गए, बाकी सब सामान पर तुमने बूझी तक नहीं। क्या क्या मिला? कपड़े वपड़े सब पड़े हैं उसमें? कपड़े वपड़े सब मिले? वो देखे नहीं थे क्या पुलिस ने कल? ना, ना देखा। कल कुछ नहीं उसने देखा, खाली बाड़ी उठाई। हाँ, बाड़ी उठाई और चली गए। चले गए अपने। अच्छा। हाँ। तो भाई साहब अभी आपसे 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 ये बताइए, कौन फोन कर रहा है, कौन पैसे मांग रहा है, क्या कहे के पैसे मांग रहा है? संजीव दरोगा जी के किराए के बाड़ी के 1500 आज कल के 1500 वापसी के 3000 रुपए आपसे मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3000 रुपए लेके आओ। कहाँ आओ? थाने आओ, बाड़ी आएगी। अच्छा, मतलब पैसे आप देंगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक। कौन दरोगा है? संजीव। संजीव दरोगा। इस घटना में लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीड़ित पक्ष को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और कहा अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो समाजवादी थाने के घेराव से लेकर धरना प्रदर्शन तक किया जाएगा। इस मौके पर मोनिश अंसारी, तबरेज आलम, मुनिंद्र सिंह, प्रेम कुमार समेत आदि पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।